सरहदी बाड़मेर में 8 साल पुराने एक हत्या के मामले में न्यायालय ने बड़ा निर्णय देते हुए दो सगे भाई बहनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 8 साल तक चले ट्रायल और गवाहों के दौर के बाद अपर जिला शेषन न्यायाधीश संख्या एक न्यायाधीश सुशील जैन ने शुक्रवार को आरोपियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक अभियुक्त को 20,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। मामले में सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक जसवंत बोहरा ने पैरवी की। बाड़मेर मुख्यालय पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या एक सुशील कुमार जैन द्वारा हत्या के मामले में मुलजिम देवाराम एवं हीरो देवी को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक संख्या एक जसवंत बोहरा ने बताया कि दिनांक 4/1/2013 को प्रार्थी हरदान राम ने अपने भतीजे भूरा राम पुत्र रामजी राम जाट निवासी बाठाड़ू वाले के बारे में रिपोर्ट इस प्रकार दी कि मेरे भाई का नाबालिग लड़का भूरा राम स्कूल में पढ़ रहा था तथा दिनांक 1/1/2013 को स्कूल से वापस नहीं आया था। फिर आज दिन को कान सिंह राजपूत ने फोन पर बताया कि भूरा राम की लाश खारिया ट्यूबवेल विशु की सड़क के पास रोड के नज़दीक पड़ी हुई है, जिस पर मैं वहां पहुंचा और लाश देखने पर पुलिस को फ़ोन करके बुलाया और पुलिस वालों ने उसकी जेब में मिले कागजात के आधार पर पहचान कर लाश को भूरा राम के रूप में पहचाना तथा लाश को देखने के बाद पता चला कि भूरा राम के सर में चोट लगने से उसका सर फूटा हुआ था तथा बाल खून से भीगे हुए थे, गला लकड़ी से दबाया हुआ था तथा उसकी छाती पर भी चोट के निशान थे। भूरा राम को किसी ने उसकी हत्या कर अज्ञात वाहन द्वारा वहां से फेंक कर भाग गए ऐसा प्रतीत होता है, जिस पर पुलिस द्वारा मामले की जांच कर मुलजिमान देवाराम व हीरो को अपराध अंतर्गत 364, 302, 120 भारतीय दंड संहिता में प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया, जिस पर आरोपियों को आरोप सुनाए गए एवं साक्ष्य प्रारंभ की गई। विचारण में अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में कुल 32 गवाह को परीक्षित करवाया गया तथा कुल 90 दस्तावेजों को न्यायालय के सामने प्रदर्शित कराया गया। न्यायालय में साक्ष्य समाप्ति के पश्चात दोनों पक्ष में बहस सुनकर इस मामले में दोनों मुलजिमान देवाराम और उसकी बहन हीरो देवी पिसरान हनुमान राम जाट निवासी धीराणियों की ढाणी रतेव को हत्या के अपराध में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दिनांक 4/1/2013 को पुलिस थाना शिव में हरदान राम जाट ने एक एफ आई आर दर्ज करवाई थी कि उसका पुत्र भूरा राम है वो साइकिल से स्कूल जाता था और रास्ते में उसको वो जब वापस घर नहीं आया तो उसकी छानबीन के लिए उसने पुलिस में एफ आई आर दर्ज करवाई। 2 दिन बाद उसकी लाश मिली, किसी ने उन्हें समाचार किए कि उनकी भूरा राम की लाश मिल गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2013 में ही पुलिस थाना शिव ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया तो इसी के चचेरे भाई देवाराम और हीरो चचेरी बहन हीरो वो इस हत्या में शामिल पाए गए। पुलिस ने अनुसंधान किया, देवाराम और हीरो के विरुद्ध अपराध प्रमाणित मानते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय में कुल 90 दस्तावेज प्रमाणित करवाए गए और लगभग 32 गवाह लेखबद्ध हुए। न्यायालय में 2013 से मामला कंटिन्यू आज तक चल रहा था, प्रकरण काफ़ी पुराना भी था। आज माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या एक सुशील कुमार जी जैन ने उक्त प्रकरण में निर्णय सुनाया। दोनों मुलजिम देवाराम और हीरो को आजीवन कारावास की सजा और 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा दी। हम और हीरो के अवैध संबंध थे और भूरा राम ने उन्हें देख लिया था, इसलिए इन दोनों ने रंजिशवश भूरा राम को मोटरसाइकिल पर बिठाया और बांध बनाकर फुसला कर उसके बच्चे को लेकर गए और आगे ले जाकर इन्होंने पत्थर मारकर उस बच्चे की हत्या कर। मामले में अभियुक्त गण की ओर से अधिवक्ता कन्हैयालाल जैन, सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक संख्या एक जसवंत बोहरा एवं परिवादी की ओर से अधिवक्ता मस्ताना मेघवाल द्वारा पैरवी की गई।